नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरनारत किसानों ने बनाया MSP खरीद अधिकार दिवस। ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान पहुंचे अनाज मंडी। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष फूंका सरकार का पुतला। किसानों का आरोप, मंडी में नहीं हो रही MSP पर खरीद। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंडी में निकाला रोष मार्च। MSP खरीद पे सरकारी दावों को बताया झूठा। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। बरनाला रोड पर स्थित भगत सिंह स्टेडियम में धरना रद्द दे रहे किसानों ने आज MSP खरीद अधिकार दिवस मनाया। 3 कृषि अध्यादेशों और कानूनों के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड से मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष पैदल चलकर मार्च निकाला। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष मंडी में MSP पर फसलों की खरीद नहीं होने से रोषित प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार MSP पर खरीद के झूठे वादे कर रही है, लेकिन मंडियों में किसानों की फसलों को MSP पर नहीं खरीदा जा रहा, किसानों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए किसानों में रोष है और प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया को मांग पत्र सौंपा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज का जो प्रदर्शन था वो पूरे देश के अंदर था कि MSP अधिकार के रूप में मनाया। आज मंडियों के अंदर जाके कि पूरे देश के अंदर किसान को MSP का अधिकार होना चाहिए, MSP खरीद गारंटी कानून बनाया जाए, उसको लेकर आज पूरे देश की सभी मंडियों के अंदर किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। सरकार का पुतला फूंका, मोदी का पुतला फूंका। और जो दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि हम MSP से अगर कम कोई किसान की फसल बिकेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज उनसे वो भी पूछने गए थे कि देखो मंडी के अंदर फसल आई है, किसान को MSP नहीं मिल रहा है, अब तो इस्तीफा, ये जवाब मांगने भी गए थे। तो आज वो मौजूदा सरकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि किस कौन सी फसल के ऊपर उन्होंने MSP दे रखा है। वो अपने छोटे ट्रैक्टरों को किराए के ट्रैक्टर लेकर के ये जैसे किसान ट्रैक्टरों का प्रदर्शन करते हैं उसी तरह से ये कहते हैं कि किसान खुश है इस प्रदर्शन से। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मीडिया के साथियों ने उनको उजागर कर दिया कि वो किराए के ट्रैक्टर लेकर के ठेकेदारों को ड्राइवर लेकर के वो अपने BJP के झंडा लगा करके ट्रैक्टरों पर आते हैं, पूछते हैं कौन से गांव से, कौन सा किसान है, क्या जाति है आपकी, वो बताते हैं फलां फलां के ठेकेदार का ड्राइवर हूँ, वो किसान नहीं हूँ, वो झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे प्रदेश अध्यक्ष से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब वो जोश में होकर अर्धलंघन होकर के MSP की खरीद की मांग करते थे पिछली कांग्रेस सरकार के समय, पिछली वो कृषि मंत्री भी थे, कृषि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसी भी फसल का MSP पर खरीद हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं करवाई। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा फसलें हैं, ये इस एरिया में कपास की फसल है, धान की फसल है, बाजरा जो उसे तो शाम नक्षत्र वगैरह में बाजरे की फसल है, बाकी फसलें जो दादर उसकी अपने यमुनानगर कुरुक्षेत्र की तरफ में जो मक्का की फसल है वो 800-900 रुपये पर मार्केट मिल रही है, कहीं MSP पर कोई फसल बिक नहीं रही। मेरी आशीषा के माध्यम से हरियाणा में बहुत बड़ी आशीर्वाद आंदोलन की करी। कल भी आपने देखा कि हरियाणा की सबसे बड़ी गांव बिना रखा यहाँ समर्थन देगी गई। आने वाले दिनों में अभी तो फसल कटाई का टाइम चल रहा है, हम जागरूक करे हैं गाँव गाँव जाकर, हरियाणा की सारी खापों से समर्थन हम लेंगे और हरियाणा के जितने भी किसान संगठन हैं उनसे समर्थन हम लेंगे और इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाकर जो ये काला कानून बना दिया है इसको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार को ये दिखा देंगे कि जो वोट का अधिकार किसान को दिया जिसे आप सत्ता में आए हो, उस वोट का अधिकार केवल वोट गिरने के लिए नहीं है, हिसाब लेने के लिए भी, क्योंकि बार बार जो झूठ बोल रहे हैं लोग किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर किसान इस बार भी नहीं लड़ता है तो इनको तो आदत होगी झूठ बोलने की, तो इसलिए हमारा अधिकार है ये जो कानून बना रहे हैं, ग्राम सभा जो है इस देश की सबसे बड़ी संसद है, ग्राम सभा में आप देखो यहाँ सरपंच लेख के ले रहे हैं, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके ले रहे हैं, आज खुला गांव से आज सरपंच लेके आए हैं कि हमारा पूरा गांव इन कानूनों का विरोध कर रहा है।
तो अभी सरकार ने निर्माण नहीं, तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं पूरा हरियाणा को जागृत करके देश का पूरा आंदोलन इकट्ठा एक साथ दिल्ली के ऊपर चढ़ाई होगी, उसमें पास नहीं मिला जाए दस तक। सरकार को निराला क्या है कि वास्तव में जो है लोग जीतने वाले लोग हैं। सारी नौजवान सभा किसान भाइयों पहला मेरी फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।